असलाम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो आई एम गोनाट टीच यू अबाउट ए आई गूगल एल्गोरिदम गूगल हमिंग बर्ड एंड अफकोर्स टॉक अबाउट गूगल रैंक ब्रेक सो आज के लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन से वट इज गूगल ए आई आज के वक्त में गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन ही नहीं है बल्कि सबकी जरूरत भी बन चुका है ए आई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम गूगल पे क्या सर्च करते हैं क्या प्रेफर करते हैं किस वेबसाइट को लाइक करते हैं ये तमाम इंफॉर्मेशन हमारी ही सर्च के थ्रू गूगल जज कर लेता है और फिर हमें वैसी ही चीजें दिखाना स्टार्ट कर देता है जैसी कि हमारी सर्चिंग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर एक कीवर्ड आ, सर्च किया है होल सेल पावर लिफ्टिंग बेल्ट वेबसाइट्स अब अकॉर्डिंग टू गूगल जो वेबसाइट्स रैंक हैं, गूगल वही शो करवाएगा हमें लेकिन यहाँ एक पॉइंट बड़ा जरूरी है जो आप सबके लिए समझना बहुत जरूरी है वो ये कि होल सेलर वेबसाइट्स में आ जाती हैं जी ईबे आ, आ जाता है Amazon आ जाता है अली आ जाता है दराज कुछ इस तरह की वेबसाइट्स आ जाती हैं यूजर अगर आ, इसी कीवर्ड को दो से तीन दफा सर्च करता है और हर दफा वो एक ही वेबसाइट लाइक अली बाबा ही की वेबसाइट को ले लेते हैं तो अली बाबा की वेबसाइट पे जाता है तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि जब वो सेम करेगा तो सेम यूजर को अली बाबा की वेबसाइट गूगल के फर्स्ट नंबर पर मिलेगी जबकि दूसरा कोई इस कीवर्ड को सर्च करेगा तो उसको एक्चुअल रिजल्ट नजर आएंगे एक्चुअल रिजल्ट दिखाई देंगे जो कि गूगल पे रैंक है लेकिन ऐसा यूजर जो सेम कीवर्ड से सेम वेबसाइट पे जा रहा है तो गूगल क्या करेगा कि उसकी प्रेफरेंस के मुताबिक उसकी जो वेबसाइट है उसको रैंक करना स्टार्ट कर देगा यानी कि ऊपर लेके आना स्टार्ट कर देगा इसका मतलब ये हुआ कि गूगल हमी से हमारा इंटरेस्ट कैप्चर करता है और फिर हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक हमें रिजल्ट शो करवा देता है अब यहाँ एक और एग्जाम्पल है मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको असाइनमेंट्स दी जाती हैं या एस का वर्क दिया जाता है और वो चंद ही दिनों में ये समझ रहे होते हैं कि जी हमारा जो की है वो रैंक हो गया है बेसिकली बात क्या होती है कि सेम कीवर्ड से सर्चिंग जब आप कर रहे होते हैं एक कीवर्ड को बार बार अपना जो एस के रिलेटेड एक कीवर्ड इसके ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं ठीक है जी एक कीवर्ड पे आप वर्क कर रहे हैं और उसको आप डे बाय डे यानी कि हर दिन में चार से पांच दफा देख रहे हैं साथ साथ अभी आपने एक से दो मंथ लगाया नहीं उस पर उसको रैंक करवाने के लिए लेकिन आप डेली चार से पांच दफा उसको सर्च कर रहे हैं देख रहे हैं कि जी रैंकिंग कहाँ तक पहुंची है तो यहाँ पर क्या होगा कि गूगल कैप्चर करेगा आपकी एक्टिविटीज को इस तरह से आपका जो कीवर्ड है वो आपको क्या नजर आने लगता है रैंक नजर आने लगता है या फिर यू कह लें कि वो पांच छ पेजेस जो हैं वो पहले नजर आने लगता है और वही कीवर्ड अगर कोई और सर्च करेगा तो उसको उस जगह पे नजर नहीं आएगा जिस जगह पे आपको वो कीवर्ड नजर आ रहा है उसकी रीजन उसकी रीजन ये है कि आप अपनी वेबसाइट को बार बार विजिट कर रहे हैं बार 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 एक की को लिख रहे हो और बार बार उस कीवर्ड्स के थ्रू आप उसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा रहे हो तो जब आप बार बार स्टफ कर रहे हो बार बार एक चीज पे इंसिस्ट कर रहे हो गूगल को तो गूगल भी आपकी साइकी समझते हुए आपको सेटिस्फाई करेगा कि जी इस बंदे को इसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलती है कि इसको एक्चुअल uh, रिजल्ट ना दिखाए जाए बल्कि इसको uh, मतलब इसी के अकॉर्डिंगली जो ये सर्च कर रहा है इसके अकॉर्डिंगली इसका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट नंबर पे दिखाया जाए तो ये लोग लेकिन जैसे ही आप हिस्ट्री क्लियर करोगे आपको एक्चुअल रिजल्ट नजर आएंगे और जब नजर आएंगे तो सिर्फ आंखों से नजर नहीं आएंगे दिमाग भी खुल जाएगा और फिर आप कहेंगे कि मैंने इतनी मेहनत की है और मेहनत के बावजूद दो दिन पहले तो मैम मेरा जो कीवर्ड था वो यहां था अब कैसे यहां आ गया है इतना डाउन डी रैंक कैसे हो गया है तो डी रैंक आपकी करतूतों की वजह से हुआ है <laughs> ठीक है ओके <laughs> okay, जी नेक्स्ट चलते हैं जी आई होप आई ब्रीफ वेरी वेल इन फैक्ट एन ईजी वर्ड्स अबाउट ए आई गूगल एल्गोरिदम नाउ लेट्स लर्न अबाउट गूगल हमिंग बर्ड अच्छा गूगल हमिंग बर्ड जो है वो भी गूगल का एक रोबोट ही है जो कि 20 अगस्त 2013 में लॉन्च किया गया था इस रोबोट को बड़े आसान अल्फाज में अलैबरेट करूँगी ताकि जो बिगनर्स हैं जो बच्चे अभी एस का स्टार्ट ले रहे हैं बड़ी अच्छे तरीके से उनको इस रोबोट के फीचर्स और लॉन्च करने का जो पर्पस है वो समझ में आ जाए क्योंकि मैंने देखा है कि गूगल के जो तमाम रोबोट्स हैं उनको बड़े मुश्किल वे में डिस्क्राइब किया जाता है जिससे कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता प्लस ग, ग, जो स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है मतलब इतने ही मुश्किल वे से डिस्क्राइब किया जाता है कि एक तो बच्चे का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है दूसरा उसको समझ भी नहीं आ रही होती है वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है क्लासेस ले कर एट द एंड या फिर नेक्स्ट डे जब आप उससे पूछो कि ये मैंने आपको रोबोट के बारे में बताया था मुझे बताएं कि रोबोट जो हमने कल पढ़ा था वो क्या है उसको नहीं आएगा क्यों क्योंकि आपने बड़े मुश्किल वे से उसको बताया उसको बहुत मुश्किल वे से आपने डिस्क्राइब किया कि बेसिकली ये चीज़ क्या है ड्यू टू lack ऑफ नॉलेज इस तरह से होता है मेरी तो कोशिश ही यही होती है कि मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बड़े ही आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ ताकि हर नया आने वाला बच्चा इस फील्ड में चीजों को बड़े स्मूथली लेके चले बर्डन फील ना करे कि मैं किस फील्ड में आ गया हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ठीक है और इस फील्ड को दूसरी फील्ड्स की तरह बड़े आसान वे में लेके आप अर्निंग पॉइंट से जब आप इस फील्ड में आते हो तो सम टाइम ये होता है कि जब आप थ्योरी की तरफ जाते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं ड्यू टू टेक्निकल लैंग्वेज लेकिन इसको आप आसान अल्फाज में अगर समझाएं बच्चों को बड़े इजी वे से समझाएं तो बच्चे आजकल के माशाल्लाह इतने शार्प हैं कि आपको जब आप उनको टीच कर रहे होते हैं तो उनसे सीखने को मिलता है आपको अब बात करते हैं गूगल हमिंग बर्ड के बारे में जो कि गूगल का एक ऐसा रोबोट है जो यूज़र की इंटेंशन पे फोकस करता है यूज़र को पलक झपकते ही जिसको कि हम कह सकते कि जी विद इन अ सेकेंड यूज़र की नीड के मुताबिक रिजल्ट दिखाता है लेकिन ये तब होगा जब आप गूगल पे मुकम्मल एक्यूरेसी के साथ अपना कीवर्ड एंटर करेंगे फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है किसी ऐसी शॉप पे जहाँ से आपने खरीदना है जी आ, बेस्ट माइक अपनी आ, वीडियोस की रिकॉर्डिंग के लिए आ, तो आप अगर कीवर्ड एंटर कर देते हैं बेस्ट माइक तो अब इस पर्टिकुलर कीवर्ड के थ्रू गूगल बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएगा कि बेसिकली आप क्या सर्च करना चाहते हैं क्योंकि आपका कीवर्ड एक इनकम्प्लीट कीवर्ड है आप माइक की शॉप पे जाना चाहते हैं या आपको माइक की शॉप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपके घर के नज़दीक है या माइक के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जस्ट रीड करना चाह रहे हैं माइक को आप खरीदना चाह रहे हैं अगर खरीदना भी चाह रहे हैं तो किस कंपनी का खरीदना चाह रहे हैं बिगनर्स हैं अपने लिए मतलब स्टार्टअप हैं तो स्टार्टअप वाला जो माइक है वो खरीदना चाह रहे हैं या फिर आपको कोई पाँच से छः साल हो गए हैं कोई ऐसा काम करते हुए जो कि माइक के बगैर नहीं होता जिसको कि आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल माइक चाहिए आपको तो क्या आपको ऐसा कोई प्रोफेशनल माइक खरीदना है उसके बारे में सर्चिंग करनी है या फिर आपके पास कोई माइक पड़ा है आप चाहते हो कि इसको मैं सेल कर दूं तो क्या आप माइक को सेल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हैं एक्यूरेट कीवर्ड होगा जी बेस्ट बिगनर माइक फॉर रिकॉर्डिंग या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें आप बेस्ट माइक शॉप नियर मी अच्छा जी अब इस कीवर्ड से गूगल का ये रोबोट जो कि हमिंग बर्ड के नाम से है आपकी इंटेंशन को बड़ी अच्छी तरह से समझ चुका है अब जो रिज़ल्ट गूगल दिखाएगा वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही होंगे इन सिंपल वर्ड्स इस रोबोट के बारे में स्टूडेंट की आसानी के लिए पॉइंट्स में ब्रीफ़ कर देती हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको बड़े अच्छे से समझ आ जाए कि बेसिकली इस रोबोट का काम क्या है नंबर वन बड़ी ही तेजी से लेकिन एक्यूरेसी के साथ ये रिजल्ट दिखाता है यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट दिखाता है और नॉलेज uh, ग्राफ जिसको बोलते हैं उसके जरिए वेरीफाइड रिजल्ट दिखाता है यूजर uh, को नॉलेज ग्राफ इन सेंस के आपका जो जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो गूगल मैप के रिजल्ट्स आते हैं तो उसको हम दूसरी लैंग्वेज में या टेक्निकली लैंग्वेज में उसको नॉलेज ग्राफ भी बोला जाता है ये है जी इसका सेकेंड पॉइंट थर्ड वन इज कि यूज़र की इंटेंशंस को फॉलो करते हुए दुरुस्त और मुकम्मल कीवर्ड एंटर करने के बाद चंद ही सेकंड में यूज़र uh, को बड़ा अच्छा और एक्यूरेट रिज़ल्ट यूज़र के सामने लेके आता है जिसको बोलते हैं ना कि टू द पॉइंट बिल्कुल टू द पॉइंट रिजल्ट आपको देता है और उसके लिए ज़रूरी ये चीज़ है कि आपने जब अपना कीवर्ड एंटर करना है तो आपने अपनी नीड के मुताबिक एक्यूरेट कीवर्ड एंटर करना है जिसकी एग्जांपल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दे दी है नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट गूगल्स एन अदर अलगोरिदम यू कैन सेन अदर रोबोट ऑफ गूगल दैट इज गूगल रैंक ब्रेन अच्छा गूगल रैंक ब्रेन जो है वो छब्बीस अक्टूबर दो हजार पंद्रह में लॉन्च किया गया था एस यू की जितनी भी वर्किंग है उसमें इस रोबोट का बड़ा अहम किरदार है बहुत अहम रोल है इसमें गूगल रैंक ब्रेन बेसिकली यूजर को इसकी सर्चेज के मुताबिक जिसको कि हम रेलिवेंट रिजल्ट बोल सकते हैं वो प्रोवाइड करता है किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग में गूगल रैंक ब्रेन का बड़ा अहम किरदार होता है गूगल रैंक ब्रेन डिस्कवर करता है उन पंद्रह फीसद क्वेरीज को जो पहले कभी भी सर्च नहीं की गई होती हैं या यूं कह लें कि वक्त गुजरने के साथ साथ यूज़र की जो इंफॉर्मेशन है उसमें इजाफ़ा हो रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारी नई मालूम जो हैं वो सामने आ रही हैं हमारे और नई नई चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर हो रही हैं जो कि पहले नहीं हुआ करती थी ठीक है इन्फॉर्मेटिव यूनिक चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं और इसको सर्च करने पर गूगल रैंक ब्रेन नोट करता है ऐसी चीज़ें जब सर्च की जाती हैं जो कि नई मालूम साबित होती हैं अपडेशन साबित होती हैं तो गूगल रैंक ब्रेन क्या करता है ऐसी चीज़ों को यूज़र के सामने ले के आता है गूगल रैंक ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एस की रैंकिंग में जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ पहले ही एलेबोरेट कर दी है यहाँ ये बात भी बताना आप सबको बड़ी ज़रूरी है कि गूगल ने हमेशा से ही रैंक ब्रेन की जो एक इन्फॉर्मेशन है उसको पूरी तरह से कभी भी नहीं बताया कि बेसिकली एस की जो रैंकिंग है उसमें इस रैंक ब्रेन का जो किरदार है वो इतना ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व किया गया है क्या इसमें सीक्रेट्स क्या हैं कौन सी ऐसी वर्किंग है जिसकी वजह से रैंक ब्रेन को इतना ज़्यादा एस की रैंकिंग फैक्टर्स के ल, आ, लिहाज से ऊपर रखा जाता है बेसिकली क्या है कि जब भी कोई भी आ, वर्किंग होती है तो उस पर माहरीन की राय होती है एक्सपर्ट्स की राय होती है एक्सपर्ट्स इन सेंस के जो लोग दस साल से पाँच साल से पंद्रह साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में उनके एक्सपीरियंस को ब्लॉग की सूरत में लिखा जाता है तो बात करने का मकसद ये है कि ये तमाम तर इंफॉर्मेसन जो है वो uh, 2015 जब से ये अलगोरिदम लॉन्च किया गया है तो तजर्बे की बिना पे और एक्सपर्ट्स की राय के अकॉर्डिंग है अब यहाँ पे मैं एक और बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स के साथ और देखने वालों के साथ और सीखने वालों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि अपनी वेबसाइट में जब आप कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसको जस्ट आप एस के पर्सपेक्टिव से वर्डिंग के तौर पे ना लिखें बल्कि उनको आप प्रोफेशनल वे में लिखा करें यानी ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए उसमें कम अल्फ़ में ज़्यादा बात समझाने की कोशिश करें अपना नंबर उसमें इंक्लूड करें अगर आपके टेंस में नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में वो सूट करता है बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको यूँ लिखें कि आपका जो नंबर है बिज़नेस नंबर वो उसमें इंक्लूड हो सके प्लस अपना जो कॉन्टेंट है उसको लेंथी लिखें लेंथी कंटेंट लिखने से क्या होगा कि जब यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा लेंथी कंटेंट की वजह से यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करेगा बट ऑन द अदर हैंड अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट ही बहुत शॉर्ट सा लिखा है फ़ोर टू फाइव लाइंस का लिखा है तो बहुत जल्दी वो उस कॉन्टेंट को पढ़ के यूज़र जो है वो क्विट कर देगा और इससे एक बैड या नेगेटिव कह लें कि मैसेज कन्वे हो जाएगा गूगल को कि जी यूज़र इसकी वेबसाइट पे आया है पर्टिकुलर वेबसाइट पे आके पर्टिकुलर पेज ओपन करके तो वो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सका चाहे वो चार से पांच लाइंस आपने बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं है और आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग के लिए वो परफेक्ट लाइंस हैं लेकिन उसके बावजूद जो लेंथी कंटेंट है उस पर जो यूज़र है उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है तो जैसे ही आपका जो कस्टमर कंज्यूमर या विजिटर है वो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो गूगल इस चीज़ को प्लस पॉइंट में काउंट करता है और ये रैंकिंग फैक्टर भी है दैट्स इट फॉर नाउ आई होप यू लाइक दिस एंडफॉर्मेटिव वीडियो कीप लविंग कीप शेयरिंग कीप स्परिंग subscribe to my youtube channel thank you and allah hafiz